सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। जब मैं मालेगांव के केस में मैं दो लोगों के लिए जब रिप्रेजेंट कर रहा था तो वहाँ पे एक आरोपी था, उसका नाम था प्रवीण। उसके लिए जब मैं बात कर रहा था तो बार बार जो कर्नल पुरोहित के चार्जशीट में जो आई थी बातें उसको बताया गया। एक बात जब मैंने सुनी, पहले भी मैंने उसको सुना था, उसका प्रतिवाद उस समय नहीं किया गया था क्योंकि मैं पुरोहित का वकील नहीं था। उसने कहा कि ये बात ऐसे है कि जिस दिन मालेगांव में धमाका हुआ उसको छोड़िए जब समझौता का धमाका हुआ तब इन लोगों ने आइसक्रीम खाया था। मैंने कहा जिस दिन समझौता में धमाका हुआ उस दिन मैंने भी आइसक्रीम खाया था, और 10 बार अगर समझौता में धमाका होगा तो 10 दिन मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अगर पाकिस्तानी नागरिक मरते हैं और उसके लिए कोई आइसक्रीम खा रहा है तो ये मानसिकता का बदलना है। जैसे मैंने अभी हरियाणा का उदाहरण दिया, आप लोगों की मानसिकता बदल रहे हो और वो मानसिकता बदल करके गुलामी की मानसिकता हिंदुओं को दे रहे हो। आज हमको गर्व से कहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का अहित होता है तो हम इसमें खुश हैं, हम इसमें समाधानी हैं। इसके लिए अगर कोई आदमी कहता है आज भारत के अंदर संघ बने हैं भारत पाकिस्तान मैत्री, उनकी उन दोनों में प्यार मोहब्बत आनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। भले राजकीय जो पक्ष है, राजकीय जो नेता है, राजनीतिज्ञ है, उनकी भूमिकाएं अलग हो, कोई जा करके जिना की कब्र पर माथा टेक करके आ जाए, लेकिन हमारी जो भूमिका है वो स्पष्ट होनी चाहिए। पैलेस्टाइन के मुद्दे पर जब हम बात करते हैं हमें क्या अधिकार है, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है हो रहा है, उसके कई ऐतिहासिक कारण है। और जब हम दूसरी जगह बात कर रहे हैं हमें पैलेस्टाइन दिखाई दे रहा है पर हमें पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा है, हमें बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, हम पूरी तरीके से उसमें अनभिज्ञ है। आज समझौता को तो छोड़िए, पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से अगर हम संबंध तोड़ दें तो वो सही होगा। कश्मीर का मुद्दा है, 370 कलम का मुद्दा है। आप बातों को देखिए, एक तीस्ता सेटलवाड है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशंस में मोदी के खिलाफ लिखती है, और आज हम लोग हैं कश्मीर में जो लोग 1947 से 48 में पंजाब सिंध या बलूचिस्तान से आए हिंदू, आज भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के लिए मत दे सकते हैं पर विधानसभा के लिए दे नहीं सकते क्योंकि वो कश्मीर से नहीं है। आज उनकी परिस्थिति ऐसे है कि वो वहाँ पे घर नहीं खरीद सकते, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उनको कोई भी जो कश्मीरी नागरिकों को जो सुविधाएं हैं कोई सुविधा नहीं मिलती। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कश्मीर की जो संविधान है कश्मीरियों ने बनाई है, अगर वो नहीं बदलते तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं। राष्ट्र प्रेम का जो ठेका है वो सिर्फ हिंदुओं ने लिया है क्या? आज हमें यह मांग करनी चाहिए राष्ट्र संघ के पास कि आपने जो कानून बनाया जिसके अंदर एक देश पे बहिष्कार किया जा सकता है, बहुत सालों तक हमने साउथ अफ्रीका पे दक्षिण अफ्रीका पे बहिष्कार किया, इसराइल के ऊपर धमकी दी जा सकती है, ईरान के ऊपर दी जा सकती है, कई देश है अफ्रीका में जहाँ पे निर्वासितों को रेफ्यूजियों के बारे में जब गलत धोरण किया जाता है तो वहाँ से कहा जाता है कि हम आपका पानी तोड़ देंगे, बिजली तोड़ देंगे, हम आप पे बहिष्कार करेंगे। अगर कश्मीर का अलग संविधान है और हम लोगों का उस पर कोई अमल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमें मांग करनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ से कि भले कश्मीर भारत का प्रांत है पर कश्मीर पे बहिष्कार हो, कश्मीर से व्यापार न हो, उन लोगों को इस तरीके से परेशान किया जाए। या तो अपना संविधान बदलो या फिर परिणामों को भुगतो, क्योंकि उनका जो बोझा है वो भारत का अविभाज्य अंग है, यहां तक ठीक है, लेकिन उनकी जनता ने अगर कोई पाप किया है, अगर तीसरा सेटलवाड गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना कुछ कर सकती है तो हिंदुओं ने कोई ठेका लिया नहीं है कि कश्मीर की जनता की जो गलत कृतियां है उसको हम कंधे पे लेकर के बहे और कहे कि ये चीज हम नहीं करेंगे भारत की बदनामी होगी। क्या भारत की बदनामी वैसे नहीं हो रही है? भारत की अगर बदनामी भी होगी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन के सामने भी तो यही समस्या थी कि मैं कैसे करूं। देखिए ऐसी समस्या हमारे पास आती है, हमारे सामने आती है,
लेकिन हमें निर्भयता से इसका उत्तर जो है वो ढूंढना चाहिए। हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं कश्मीर हमारा भाग है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। जहाँ तक सच्चर का सवाल है, सच्चर कमीशन के मुद्दे पर हम लोगों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहाँ पर भी जो हमें अनुभव आया वो अनुभव बताने लायक है या नहीं है, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी उस केस में हम लोग हार गए। हमारा मुद्दा ये था कि जब मुसलमानों को, ईसाइयों को आपने उनके लिए आय की जो मर्यादा है, इनकम की जो लिमिट है, वो आपने 2.5 लाख तक तय की है, तब हिंदुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर 15,000 से ज़्यादा अगर वार्षिक उसकी आय होगी तो वो हिंदू अमीर कहा जाएगा, धनाढ्य कहा जाएगा, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर 15,000 से कम है, 1570 रुपये से कम है, तो उसको फ्रीशिप जिसको कहते हैं मुफ्त में सीखना, वो उसको मिलेगी, उसको शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी, उसको किताबों का जो खर्चा है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ तक ये लोगों को 2.5 लाख तक होगा तो 1.5 लाख रुपये तक उसको शिष्यवृत्ति मिलेगी। जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जो जहाँ पे बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है, वहाँ पे भी वो पढ़ पाएगा। दूसरी बात ऐसी कि जिन पाठशालाओं में 75% से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थी है, वैसे हर पाठशाला को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये पूरी बातें गलत है, लेकिन उच्च न्यायालय ने हमारा नहीं माना, हमारी जो याचिका थी खारिज कर दी, और उसके विरुद्ध हम अब सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय तो हम गए हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा? अगर मैं कहूँ कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का अवमान होगा। मेरे ये कहने से सर्वोच्च न्यायालय का अवमान होगा इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अवश्य कहूँगा कि न्याय मिलने का सिर्फ न्यायालय के पास जाना ये कोई तरीका नहीं है। हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो सांसद है उस सांसद पर दबाव आना चाहिए। जहाँ पे उसकी पत्नी काम करती है या पति काम करता है अगर वो, या उसके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर के हमको बताना चाहिए कि आपका जो पति है वो हमें बर्बाद करने पर तुला है, ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है इसे आप रोक लीजिए। और जब तक हम इस तरीके का दबाव नहीं लाएंगे तब तक सच्चर का नष्ट होना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। आज इन्होंने मुसलमानों के लिए इन्होंने रिजर्वेशन लाया है, 4.5% लाया, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया, अब नया कानून ये ला रहे हैं और उसको फिर एक बार लाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर हम सिर्फ न्यायालयों का रास्ता अपनाएंगे तो इसमें यश मिलने का जो संभव है यह बहुत कम है। आज परिस्थिति ऐसे है कि अगर हम राजनीतिक नेताओं से अगर लड़ाई नहीं करते तो यह संभव नहीं कि इनके खिलाफ हम लड़ पाएंगे। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म।